नमस्कार, मैं बॉबी झामेनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हार पर मंथन के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होगी। इस बैठक में हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। बैठक सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में शुरू होगी। पीएम बनने का सपना देखने वाले विपक्ष के लायक भी नहीं बन पाए रामविलास पासवान। लोकसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वे भी विपक्ष बनने के लायक भी नहीं बचे। मोदी की प्रचंड जीत में भी इन चार राज्यों में भाजपा को मिला 0/0 सन्नाटा। लोकसभा चुनाव में ऐसे ऐसे दिग्गज मोदी लहर के सामने हार गए जो कई दशकों से कभी चुनाव नहीं हारे। बावजूद इसके चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। भाजपा को दक्षिण के चार राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। 28 जून को जापान पहुंचेंगे मंत्री, ट्रंप से होगी मुलाकात। जापान के ओसाका में 28 जून को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन, नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर यहां पहुंचने और दुनिया के अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। नहीं चला प्रियंका का जादू, जितनी सीटों पर प्रचार किया उनमें से 97% कांग्रेस हार गई। इस लोकसभा चुनाव में पूरे प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने 38 रैलियां की, इनमें से 26 रैलियां उन्होंने सिर्फ यूपी में की, बाकी मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने जितनी सीटों पर प्रचार किया था उनमें से 97% सीटें कांग्रेस हार गई। दिल्ली के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में कांग्रेस को बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। दिल्ली में 3 लोकसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।